गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस चैप्टर नंबर 4 एनसीईआरटी क्वेश्चंस विद एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सो फर्स्ट थिंग इज व्हाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। हम सब्सटेंस को सेपरेट ही क्यों करते हैं, इसका बेसिक मीनिंग हम कैसे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस है जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटी है, कोई हार्मफुल कंपोनेंट है, उन सबको हम सेपरेट करते हैं सो दैट कि हमारी बॉडी में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। सो फर्स्ट पॉइंट इज टू रिमूव इम्प्योरिटीज और हार्मफुल कंपोनेंट्स। सेकंड पॉइंट इज टू इम्प्रूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स। देयर आर सम नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स एज वेल एज यू कैन से फॉर एग्जांपल इन ग्रेन्स देयर आर सम स्टोब्स, देयर आर सम पीस ऑफ स्टोन्स। So these are non-useful components for our grain. So to improve non-useful components. And the next part is to separate two different but useful components. If you can say there are two types of grains which are mixed and we have to separate these two types of grains. So and both are useful. So to separate two different but useful components. So this is the need of separating the substances. Now come to the next point. What are the methods of separation? So, first method is hand picking. Basically, इसके लिए हम एक activity करते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक grain का packet है और उस grain के packet को हम क्या करते हैं, जो grain है वो हमने पूरा एक sheet के ऊपर spread कर दिया है। After that, हम उसके अंदर देखते हैं कि क्या-क्या impurities हैं और कौन से particles हमारे grain के हैं और कौन से particles हमारे grain के अलावा किसी दूसरे ग्रेन के हैं। सो जो अदर पार्टिकल्स है, जो हमारा ग्रेन है, जो मेन कंपोनेंट है उस ग्रेन को छोड़कर जो बाकी जो इम्प्योरिटीज हैं, जो स्टोन्स हैं, जो हक्स हैं, जो ब्रोकन ग्रेन्स हैं, जो अदर पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन है, उन सबको हम हैंड के थ्रू उठा उठा कर उनको सेपरेट कर देंगे। सो दिस इज द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। इस मेथड की हेल्प से हम लार्जर इम्प्योरिटीज को भी हम सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ हैंड पिकिंग। एक्टिविटी क्या है इसकी, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ ग्रेन परचेज फ्रॉम अ स्टोर टू क्लासरूम, स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर, देयर आर स्टोन्स, हस्क्स एंड ब्रोकन ग्रेन एंड पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन। हस्क्स बेसिकली मीनिंग एज एनी इम्प्योरिटी। Remove with your hand the piece of stone, husk and grains. जो impurities हैं उनको हम by hand क्या करेंगे, remove करेंगे। So this method is hand picking. This method of hand picking can be used for separating slightly larger size impurities as well. Come to the next point, threshing. This is the second method of separation of substances. So in process of threshing, what we do? जब बेसिकली किसी भी क्रॉप की हार्वेस्टिंग होती है तो हार्वेस्टिंग के टाइम पे उस क्रॉप के साथ में ग्रेन्स के साथ में उसके जो स्टॉक्स है, जो उसकी स्टेम्स है, वो भी हमारे पास हम व्हील से क्या करते हैं, कट करते हैं। तो थ्रेसिंग प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि जो हमारे स्टॉक्स है उनसे ग्रेन्स को सेपरेट किया जाता है। सो द प्रोसेस दैट इज यूज्ड टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टॉक्स एटसेट्रा इज कॉल्ड थ्रेसिंग। In this process, the stalks are beaten to free the grain sheaves. दूसरे process हम क्या बोल सकते हैं इसी method में कि जो हमारे stalks होते हैं वो हमारे dried state में होते हैं। जब harvesting करते हैं उस state में क्या होता है कि जब grain sheaves को हम beat करते हैं उस तब जो stalks होते हैं वो separate हो जाते हैं और जो grain के seed हैं वो हमारे separate हो जाते हैं। तो this is the process of threshing. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. Basically, this happens in earlier times when the modern technology for threshing was not developed. Then the threshing was done with the help of bullocks. This is the process of threshing. We will discuss the next processes of separation of substances in the next video. Thank you.